प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को महाराष्ट्र के दौरे पर रहे। पालघर में सिडको ग्राउंड में 76,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा गिरने के मामले पर माफी मांगी। दरअसल सिंधुदुर्ग में लगाई गई ये प्रतिमा 26 अगस्त को गिरकर टूट गई थी। मोदी ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज मेरे और मेरे दोस्तों के लिए सिर्फ एक नाम नहीं है, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक महाराजा नहीं है, हमारे लिए वो पूजनीय है। आज मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने नतमस्तक हूँ और उनसे क्षमा मांगता हूँ। मोदी से पहले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम फडणवीस और अजीत पवार भी माफी मांग चुके हैं। पीएम के कार्यक्रम से पहले मुंबई में मूर्ति गिरने को लेकर विपक्ष के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं।